तो लास्ट टाइम मैं तुमको ये बोल रहा था कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो फाइनली ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसके नीचे की तरफ क्या होता है, CH2OH ग्रुप होता है, ठीक। और बीच में चार कार्बन होते हैं, जिसके एक सेकंड वाले पे OH, H, और बाकी सब OH कहाँ होते हैं, राइट साइड में होते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोग जज करते हैं कि ये डी प्लस ग्लूकोज है या एल माइनस ग्लूकोज है। कौन सा होगा ये, डी प्लस या एल माइनस? डी प्लस, सही है। फाइनली मैंने क्या बोला था कि जब मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ तो हम लोग इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जब मैं ये कार्बन ड्रॉ करता हूँ तो इसके इस साइड पे OH ग्रुप, ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, CH2OH, और नीचे की तरफ क्या बनाते हैं, H बनाते हैं। और फिर इससे ये कार्बन कनेक्टेड है तो इस कार्बन पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी राइट में उसको ऊपर लिखते हैं, जो भी लेफ्ट में उसको नीचे। फिर थर्ड वाला, थर्ड से क्या है अपने पास, ऊपर H और नीचे OH। फिर फोर्थ वाला, जिसमें ऊपर H और नीचे OH। और इसी से ये कार्बन कनेक्टेड है जिसके पास C डबल बॉन्ड O है और एक क्या है, H है, सही है। और फिर वही मैंने बोला था कि ये जो कार्बन है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना लेता है और ये पूरा OH निकल के आ जाता है इसके ऊपर, जिसके वजह से फाइनली मुझे दो टाइप के नए स्ट्रक्चर मिलते हैं, राइट है, कुछ इस फॉर्म में, ठीक। एक बार ये OH निकल के ऊपर चला जाएगा और H आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज रहेगा। और यही OH जो यहाँ से निकला है वो नीचे भी आ सकता था, तो अगर इसी को मुझे वैसे बनाना है तो मैं वैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट बाकी स्ट्रक्चर को तुमको एज इट इज ड्रॉ करना पड़ेगा। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद ये, अच्छा इस, हाँ इसका OH ऊपर है, बराबर, हाँ सही है, ठीक है। तो OH ऊपर आएगा और H नीचे जाएगा, ऐसे बन जाएगा, सही है, ठीक। तो इसी से मैंने बोला था कि अपने पास दो टाइप के साइक्लिक ग्लूकोज बन जाते हैं, ठीक है। एक क्या बन जाता है, अल्फा ग्लूकोज, और एक क्या बन जाता है, बीटा ग्लूकोज, सही है, राइट। अल्फा बीटा मैं किस बेस पे जज करता हूँ, स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है दोनों में, बीटा वाला, ठीक है। अगर मैं खाली ऐसे स्ट्रक्चर दे दूँ तो तुम लोग बता सकते हो क्या, बीटा कौन सा, अल्फा कौन सा है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कौन सा बीटा है? ये वाला है, क्योंकि इसमें OH OH मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्म में ना, अपोजिट साइड में OH OH जब भी सेम साइड पे आएंगे तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा, और ये कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म। तो चीजें ट्रांसफॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होगा और अल्फा ग्लूकोज कम स्टेबल होगा, राइट। क्या परसेंटेज बताया था सोल्यूशन में इनका, 65% बीटा बनेगा और 35% क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, ठीक है, राइट। द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर, बट इन केस ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज दीज टू स्ट्रक्चर आर नोन एज क्या, एनोमर्स। यहाँ पे हम लोग आइसोमर वर्ड यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं, एनोमर्स। तो एनोमर जहां पे भी लिखा होगा इसका मतलब हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड ना स्पेसिफिकली हावर्थ प्रोजेक्शन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोनों एक दूसरे के एनोमेरिक फॉर्म्स बोले जाएंगे, ठीक है, पक्का। और फाइनली मैंने क्या बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमको दिखता कैसे है,
किस बेस पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है? मैंने बताया था ना, एक ऐसे, हाँ, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है पायरेन। तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो फाइनली इसका जो नाम होगा साइक्लिक ग्लूकोज का, राइट? कैसे बताया था मैंने, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को तोड़ के उसका नाम हम लोग लिखते हैं ग्लूको पायरनोस। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा अल्फा ग्लूको पायरनोस, और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूको पायरनोस। ठीक है, समझा? नहीं, लिखना नहीं है, खाली रिवाइज करा रहा था। लिखो तुम लोग ऐसे करके नोट से, स्ट्रक्चर वो बनाना चाहिए, तो क्योंकि ये नोट्स में स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्ट्रक्चर तुम लोग ये बोर्ड वाला बनाना, जो भी चीजें नहीं समझेंगी मेरे को पूछना, बट नोट इस पे से लिखो। देखो, जैसे अपने पास ग्लूकोज ने साइक्लिक फॉर्म में अपने आप को क्या कर लिया, ये कर लिया, साइकिल के फॉर्म में बन गया, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पायरेन का था। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे मैंने क्या बताया, ये जो स्ट्रक्चर होता है मेरा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेन। ठीक है, इसके बेस पे कौन बनता है, ग्लूकोज। तो जिस वजह से उसका नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्लूको पायरनोस। सही है, तो ऐसे ही थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे पास फ्यूरेन का। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, खाली यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन। और फ्यूरेन के ही बेस पे बनता है तुम्हारा फ्रुक्टोज। ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, जो साइक्लिक फॉर्म बनेगा फ्रुक्टोज का, वो तो बनेगा फिर, हाँ ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है, फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। ठीक है, ग्लूकोपायरेनोस एंड फ्रुक्टोपायरेनोस। अगर ये वर्ड आएगा आगे तो दिक्कत में मत आना कि कहाँ से आया, समझा सबको? ठीक है, पायरेन और फ्यूरेन का स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक कार्बन कम होता है और यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा होता है। चले, अब देखो फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना, फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। फ्रुक्टोज नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं, मैंने तुमको बताया था, इसके ऊपर भी CH2OH हो जाता है और नीचे भी CH2OH। इसका जो सेकेंड वाला कार्बन है उस पर कीटोन आ जाता है, सही है, सेकेंड वाले कार्बन पे इसके कीटोन आता है, और बाकी सब, अब कितने बचे, 1 2 3 तो मैंने ड्रॉ कर दिए, बचे कितने, दो, तीन और बचे। तो ये तीनों एज इट इज रहेंगे, जैसे ग्लूकोज में होता है, सेकेंड वाले में OH यहाँ था तो यही रहेगा, H यहाँ पे, बाकी सब OH यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये, DL फॉर्म, तो इसको हम लोग D+ फ्रुक्टोज बोल सकते हैं। ठीक है, और हमको फ्यूरेन का भी स्ट्रक्चर अब पता। तो अब देखो इसमें क्या होता है, सेम तुमको ड्रॉ वहीं से करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, देखते रहो, मैं इस वाले कार्बन को सबसे पहले लेके जा रहा हूं। ये कार्बन है, इस कार्बन पे मैंने क्या ड्रॉ किया था, ऊपर CH2OH, ठीक है, साइड में क्या किया था, OH, राइट है, और नीचे की तरफ मैंने क्या ड्रॉ किया था, इसका हाइड्रोजन, समझा, पहला वाला, इस वाले का। ठीक, अब दूसरा ये है, तो दूसरा जो कनेक्टेड है उस पे क्या है, ऊपर की तरफ H है और नीचे की तरफ OH है। फिर तीसरे पे क्या है, ऊपर की तरफ, इस पे ऊपर OH था ना, नीचे H है, अब ऊपर क्या है, H है और नीचे क्या है, OH है। सही है, फिर देखो तुम्हारे पास एक ऐसा कार्बन है जिस पे डबल बॉन्ड O है और एक क्या है, CH2OH ग्रुप है। ठीक, अब होगा क्या मालूम है, वही सिस्टम है,
यहां से ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, सही है। और ये OH निकल के क्या हो जाएगा, इसके एक बार ऊपर वाले पोजीशन पे और एक बार नीचे वाले पोजीशन पे। तो देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक कार्बन से कनेक्टेड है इस साइड, और यही ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्टेड है इस साइड, सही है। ये कार्बन कनेक्टेड है दूसरे से, और ये कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, सही है स्ट्रक्चर, समझा। अब इस वाले पे ऊपर क्या है बताओ, CH2H और नीचे की तरफ H। उसके बाद जब मैं इस पे आता हूँ तो इस पे ऊपर OH और नीचे H, फिर इसके बाजू वाले पे ऊपर H और नीचे OH। अब इस पे देखो, इस पे एक बार ऊपर क्या आएगा OH, और एक बार क्या आएगा CH2H, नीचे ही था, सही है। बट जैसा हम लोग ने ग्लूकोज में बनाया था कि ये OH नीचे भी आ सकता है, तो इसी का एक एनोमेरिक फॉर्म तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सही है। अब क्या होगा, CH2OH इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, अगेन ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, बट इस केस में क्या हो जाएगा, CH2OH ऊपर आ जाएगा और OH नीचे चला जाएगा, सही है। हाँ बता रहा हूं, उस वाले केस में हम लोग क्या देख रहे थे, बाजू वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप देख रहे थे, सही है, आजू बाजू वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप देख रहे थे। फ्रुक्टोज के केस में ना हम लोग ये वाला ग्रुप देखते हैं, ये देखो दोनों बल्की ग्रुप क्या हो रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे बल्की ग्रुप कहाँ पे आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसमें हम लोग इसको देखते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है या ये वाला, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा फ्रुक्टोज, सही है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा फ्रुक्टोज। अगेन अनस्टेबल वाला अल्फा, स्टेबल वाला बीटा, परसेंटेज सेम होगा, ये 65% और ये 35%, सही है, ठीक। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि ये स्ट्रक्चर किसके ऊपर, किसको देख के बनाया गया है, फ्यूरेन को, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास फ्यूरेन का। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों भी एक दूसरे के एनोमर्स बोले जाएंगे, अगेन इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम लिखूंगा, बीटा फ्रुक्टो फ्यूरेनोस, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। डाउट है किसी को इसमें, पक्का? बोलो, ये वाला, ये ना, देख इस कार्बन को मैंने लिया, इस कार्बन को यहां पे मैंने ड्रॉ किया, इसके ऊपर क्या है, CH2H, तो मैंने CH2H ऊपर लिखा, साइड में क्या है, OH है, और नीचे की तरफ क्या था, H, सही है। इससे जब दूसरे पे गया तो दूसरा वाला ये होगा, दूसरे के ऊपर क्या है, OH है, तो OH बनाया, और नीचे क्या है, H है, तो H बनाया, ठीक है, ये नहीं है, कट किया है, राइट को ऊपर रखेंगे। अब थर्ड पे जब हम लोग जाएंगे तो ऊपर क्या, हाइड्रोजन, नीचे क्या है, OH, तो ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा, ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, नीचे क्या है, OH, फिर उसके बाद क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसी सी डबल बॉन्ड ओ से क्या कनेक्टेड है, CH2OH। बाद में यही ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है ऐसे ट्राइंगुलर में, तो ये OH निकल के आ जाएगा यहाँ पे, जिसके वजह से देख ये ऑक्सीजन जो है इससे भी बॉन्ड बना रहा है और इससे भी, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। तो चाहिए तो नोट्स पे से ही तुम लोग बना लो इसको, वही चीजें, खाली नाम वगैरह लिखना पड़ेगा तुम लोग को, लिख देता हूँ मैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा ना। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ कोई,
ये वाला अल्फा, अल्फा फ्रुक्टो फ्यूरानोज, सही है। और ये क्या हो जाएगा, बीटा वाला ठीक है। परसेंटेज इसका कितना, 65, ये 35 ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसमें इजीली कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसी वजह से इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके एनोमेरिक फॉर्म्स ठीक है। एक दूसरे के ये दोनों, हाँ जहां पे हावर्थ प्रोजेक्शन दिखेगा वहां पे हम लोग एनोमर वर्ड ही यूज करेंगे ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? ठीक है, और कुछ दिमाग में रहेगा तो ऐड कर लेना पॉइंट्स में तुम लोग, नहीं तो चलो। डाइसेक्राइड्स मतलब क्या ठीक है, दो सेक्राइड यूनिट होंगे, ऑलिगो सेक्राइड का टाइप है राइट, ऑलिगो सेक्राइड का पहला टाइप है, एटलीस्ट 2 से 10 तक यूनिट होती है तो पहला टाइप हो गया डाइसेक्राइड्स ठीक है। इसके बाद जो पॉलीसेक्राइड हैं या मल्टीसेक्राइड्स जो भी हैं, 2 से ज़्यादा वाले अपने पोर्शन में नहीं है तो टेंशन मत लो, वो लोग एक दो स्ट्रक्चर बनाने को बोलते हैं तुमको ठीक है। तो डाइसेक्राइड अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताना है तुम लोगों को, 2 यूनिट होगी तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम लोग बता सकते हो क्या, क्या होगा डाइसेक्राइड्स का? ये मोनोसेक्राइड है C6H12O6, और एक मोनोसेक्राइड है C6H12O6, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो डाइसेक्राइड बनाएंगे। और जब भी दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं ना तो सबसे पहले उनके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, इसके बाद जो भी बनेगा वो बचेगा। तो कार्बन कितना हो गया, C12H22 और O11, तो डाइसेक्राइड का फॉर्मूला बनता है हमारे पास C12H22O11, समझा ठीक है। अब एक मोनोसेक्राइड यूनिट दूसरे मोनोसेक्राइड यूनिट से जुड़ता कैसे, बड़ी दिक्कत वो है ठीक है। मान लो अगर मेरे पास एक ग्लूकोज है ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पे क्या होता है, HOH होता है ठीक, और बाकी जो कॉमन चीज़ें उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक। दूसरा भी अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके पास आता है ना, सपोज करो ऐसे ठीक, तो इसके पास भी यहाँ पे क्या होगा, HOH होगा। अब देखो तुमको डाउट है कि वाटर का मॉलिक्यूल निकलता कैसे ठीक है, ये पहला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सही है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ये वाली पोजीशन देख रहे हो यहाँ पे OH, तो ये लोग क्या करते हैं यहीं से एक वाटर को रिलीज कर देते हैं, और जैसे ही वाटर निकलेगा ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे भी बॉन्ड बना लेगा और इससे भी, सही है। और यही जो स्ट्रक्चर होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, अब यही क्या बोला जाएगा, डाइसेक्राइड्स ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखा था मैंने वही होगा इनका भी, सही है। और जब भी कोई एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड यूनिट से जोड़ता है तो किस यूनिट से जोड़ता है, ऑक्सीजन से, सही है, सही है ना। इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको याद रखना। प्रोटीन में अलग लिंकेज होती है, मैं प्रोटीन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, बट एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से कैसे जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से जुड़ता है पेप्टाइड लिंकेज से, ये डिफरेंस है ठीक है। लगभग प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है, बट वहां पे जो लिंकेज होती है वो पेप्टाइड लिंकेज बोली जाती है, या बहुत लोग उसको पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं
और जब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक, जब भी ऑक्सीजन से ज्वाइनिंग होगी ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे एक्चुअली ना अमाइड की लिंकेज बनती है। अमाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? फंक्शनल ग्रुप अमाइड। तो जब भी अमाइड से लिंकेज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, जो कि सिर्फ तुमको प्रोटीन में देखने को मिलता है। और नॉर्मली डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में जो भी लिंकेज होगी सिर्फ किसके थ्रू होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझा कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्या बोलोगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब? ठीक है, लिंक द लिंकेज, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम। ना तुम लोग तो निबंध लिख रहे हो उस पे, इज द दैट ऑफ, सारे ग्रामर यूज कर डाले लेकिन आंसर सही नहीं आया। ठीक है, चलो ये दो पॉइंट लिख लो, फिर इसके एग्जांपल्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। डाइसेकेराइड करके टॉपिक डालो, ये लिख लो, और है क्या पॉइंट? नहीं, इसके बाद इसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में कि मेल्टॉस का स्ट्रक्चर बनाओ, फ्रुक्टोस का बनाओ, सुक्रोस का बनाओ, तो वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे ऐड होंगे। तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस। ठीक है, सुक्रोस हमको पता है एक टाइप का डाइसेक्राइड है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C12H22 और O11। सही है, बट सुक्रोज में क्या होता है मालूम है? ये कैसे बनता है? जब एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज से कंबाइन होता है, ठीक है, तब जाके तुम्हारा सुक्रोज बनता है। ये सब मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो अभी इसका। ठीक है, जब भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किससे कंबाइन होगा? फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, तो वो तुम्हारा क्या बना के देगा तुमको? सुक्रोज। ठीक है, बना लो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कैसे दिखेगा अपने को ऐसे? हाँ भाई मुझे पता है। ठीक है, CH2OH, यहाँ पे क्या H बना ले, यहाँ पे HOH, इस पे OHH, अगेन HOH, और देखो इसको ऐसे ड्रॉ करो तुम लोग, इधर H बनाओ, इसको OH। क्यों बना रहा हूँ मैं, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। सही है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मेरा कैसे होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिसके पास पांच पोजीशन होती है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा? CH2OH, और इस पे क्या होगा? H, इस पे HOH, इस पे OHH। ठीक है, स्टेबल बनाना है इस फ्रुक्टोज को तो मैं क्या करूंगा? अगर इसका CH2OH ऊपर है तो इसका कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ, तो ऊपर क्या होगा? OH, OH रहेगा। सही है, अब देखो फाइनली क्या होता मालूम है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रुक्टोज का है। ठीक है, अब यहां से क्या निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है। सही है, तो ये जो लाइन है ना, ये इस ऐसे ग्लूकोज से ऐड हो जाती है, इस वाले ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन एक बचा है, वाटर निकल गया बाहर, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ ऑक्सीजन। इसी लिंकेज को मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ऐसे होता है लिंकेज इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और फाइनली ये जो बड़ा स्ट्रक्चर बना ऐड होने के बाद, ये क्या बोला जाएगा? क्लियर हुआ? डाउट किसी को? कुछ कुछ है नहीं ये सब स्ट्रक्चर में। तुम लोग बुक में देखोगे तो पागल हो जाओगे, क्या बनाया है, कैसे बनाया है, हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, ग्लाइकोसिडिक बनाओ और खत्म। ठीक, बोलो को डाउट है किसी को? चले आगे। ये तो मुझे ऐसे दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे बनाया है, मैं छोटा छोटा भी बना सकता हूँ, तेरे को दिखेगा क्या इसमें ऐसा करके? बोल, दिखेगा तो बोल, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ।
मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल तो इतने छोटे होते हैं कि अपने को आंख से नहीं दिखते हैं। वो तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया था, देखो लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा क्या? क्या मालूम तू चश्मा लगाता है, तेरे को दिखता रहेगा भाई। नहीं ब्रेक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो वाटर में डाल देगा ना, जब हम लोग ये शुगर को वाटर में डालते हैं तो शुगर क्या है, सुक्रोज ही है ना। जब उसको तुम पानी में डालते हो तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अलग हो जाता है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इस बॉन्डिंग को तोड़ देता है। तो एक एच एस के पास, एक ओ एच एस के पास, खत्म हो गई कहानी। तो ग्लूकोज बन जाता है, फ्रुक्टोज बन जाता है, वही हम लोग बोलते हैं कि शक्कर में ग्लूकोज होता है या ग्लूकोन डी में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोन डी में कहीं आसमान से उठा के ग्लूकोज नहीं डालते, शक्कर ही रहता है, उसको ही पाउडर फॉर्म में वो लोग दे के बेचते हैं। शक्कर 50 रुपये किलो, लोग 100 रुपये किलो बेचते हैं, फिर भी आदमी एकदम खुशी से खरीद के लाता है, आज ग्लूकोन डी लेके आया हूँ, आज मजा आएगा, पार्टी होएगा। ठीक है, और कुछ दिक्कत किसी को? नहीं, किसी को चाहिए या छोटा वाला स्ट्रक्चर तो बोलो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये लिख लो। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ग्लाइकोसिडिक वाला। तो ऐसा कुछ है नहीं, तुमको खाली ये ऑक्सीजन की लिंकेज दिखानी है, खाली इतना ज़रूरी है। टेढ़ा मेढ़ा करके भी दिखा सकते हो, ठीक है चलेगा, बट यहाँ पे देखो मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखाया, तो अगर ये बनाओगे तो और अच्छा है, थोड़ा देखने में अच्छा दिखेगा, और कुछ नहीं। लिख लो ये स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज का। सुक्रोज कैसे बनाया तुम लोगों ने, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज को ऐड करके, ठीक है। बट मेल्टोज जब बनता है ना, तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के ही कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, और ये भी C6H12O6, ये भी वाटर रिलीज करेगा, और मेल्टोस क्या है, डैश डाइसैकेराइड है, तो इसका भी फॉर्मूला होगा C12H22 और O11। ठीक है, दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लो। ये पहला ग्लूकोज, ठीक, ये दूसरा ग्लूकोज, राइट। यहाँ पे क्या होगा अपने पास, CH2H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH, OH, H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे CH2OH और H, तो यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH H, H OH, और यहाँ पे क्या रहा था, OH और H, सही है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पे बनेगी, दिख रहा है, सही है। वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन ये वाले ऑक्सीजन से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको ऐसे, यही क्या है, माल्टोस, समझा? हाँ, ऊपर हाइड्रोजन की पोजीशन है ना, नीचे यहाँ से वाटर नहीं, यहाँ पे इसके पास क्या था, ओएच था, नीचे इसके पास क्या था, ओएच था। तो ये लोग ने एक ऑक्सीजन रिलीज किया और दो हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर स्टेबल कंपाउंड है तो इजीली बन के बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक ऑक्सीजन ही तो बचा। अब ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से बना लेता है, दूसरा यहाँ से, क्योंकि इसका ओएच पूरा बाहर चला गया ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो सुना होगा ना, प्लांट्स में होता है। अगेन ये सेल्यूलोज भी ना ग्लूकोज और ग्लूकोज को ही कंबाइन करके बनता है, बट इसमें एक ग्लूकोज जो होता है ना वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। ग्लूकोज ये मिलाओगे तो सेल्यूलोज बनेगा, बट एक ग्लूकोज का फॉर्म किस में होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में।
मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर में तुमको सीज और ट्रांस वाला सिमिलैरिटी दिखेगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, डाइसेकेराइड C12H22 और O11, क्या मैंने बोला, एक ग्लूकोज तुमको सीधा बनाना है, दूसरा इन्वर्टेड फॉर्म में, ठीक। अगेन ये भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ही बनता है, ठीक है। तो अगर बनाना है, ऑब्टेन बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेलोबायोस बोलते हैं, और ये बनता सेल्यूलोस के स्ट्रक्चर से है, ठीक है। सेल्यूलोस को हाइड्रोलाइज करोगे तो सेल्यूबायोस बनते हैं, मतलब प्लांट में जो छोटी यूनिट है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ग्लूकोज इन्वर्टेड का क्या मतलब है जानते हो, अगर मान लो एक ग्लूकोज में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन अगर मैं ऊपर बना रहा हूँ तो दूसरे वाले का ऑक्सीजन मेरे को ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो अब तुम लोग सोच सकते हो, ग्लू ऑक्सीजन के बाजू वाले पे क्या रहता है, CH2OH और H, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH, HOH, ठीक है, बना लो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक। इस ऑक्सीजन के बाजू वाले पे क्या रहेगा, फिर इसका CH2OH नीचे आ जाएगा, H, बाजू वाले पे क्या हो जाएगा, OHH, फिर HOH, ठीक। वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये बदल जाता है कि अब देखो यहाँ से वाटर रिलीज होगा और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ऐसे बनेगी, ठीक है, प्लस वाटर तुम लोग यहाँ से रिलीज कर सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर सेल्यूबायोस का कुछ ऐसे दिखेगा तुमको, बोलो फर्क कुछ नहीं है, खाली वो प्लांट्स में मिलता है, ये अपने नॉर्मली अपने प्रोटीन्स में मिलता है, प्रेजेंस का फर्क है कि वो प्लांट्स में ज्यादा दिखते हैं और ये मिल्क वगैरह में ज्यादा दिखने को मिलते हैं। ये लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, नहीं रे भाई, लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में कोई ये सिमिलैरिटी नहीं है उसमें। इसमें देख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है ना, उसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हाँ, तो स्पेलिंग से मैच करेगा तो थोड़ा बहुत मिल सकता है,